हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू गेट ऑलमोस्ट कंटीन्यूअस सप्लाइड फ्रॉम रेसिप्रोकेटिंग पंप ब्लैंक इज प्रोवाइडेड। ऑप्शन ए फुटवाल, ऑप्शन बी प्रेशर गेज, ऑप्शन सी एयर चैम्बर एंड ऑप्शन डी फ्लाई व्हील। सो ओवर योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी एयर चैम्बर, राइट। सो यहाँ पे क्या कहा गया है, टू गेट ऑलमोस्ट कंटिन्यूस सप्लाई, यानी कि जो भी रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसमें हमें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, तो वहाँ पे क्या प्रोवाइडेड होना चाहिए, एयर चैम्बर, राइट। एयर चैम्बर क्या करता है, जो कंटिन्यूस सप्लाइड प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर चैम्बर प्रोवाइडेड करते हैं। क्यों, गेट ऑलमोस्ट कंटिन्यूस सप्लाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेशर इन विच कंप्रेशन ऑफ एयर फ्रॉम सक्शन प्रेशर टू डिलीवरी प्रेशर टेक्स प्लेस इन मोर देन वन सिलेंडर इज कॉल्ड ब्लैंक कंप्रेशर। सो ऑप्शन ए सिंगल एक्टिंग, ऑप्शन बी डबल एक्टिंग, ऑप्शन सी सिंगल स्टेज एंड ऑप्शन डी मल्टी स्टेज। सो ओवर योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी मल्टी स्टेज, राइट। सो कंप्रेशर में जो कंप्रेशन होता है फ्रॉम सक्शन प्रेशर टू डिलीवरी प्रेशर, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, मोर देन वन सिलेंडर, राइट, यानी कि एक सिलेंडर से ज्यादा सिलेंडर में ये प्रोसेस होता है, तो हम उसको बोलेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेशर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेशर इन विच कंप्रेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस ऑन बोथ साइड ऑफ पिस्टन इज कॉल्ड ब्लैंक कंप्रेशर। ऑप्शन ए सिंगल एक्टिंग, ऑप्शन बी डबल एक्टिंग, ऑप्शन सी सिंगल स्टेज एंड ऑप्शन डी मल्टी स्टेज। सो वर योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी डबल एक्टिंग, राइट, यानी कि कंप्रेशन में कंप्रेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस बोथ साइड ऑफ द पिस्टन, यानी कि पिस्टन के दोनों साइड से क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे उसको डबल एक्टिंग कंप्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रॉल कंप्रेशर इज अ प्लैंक कंप्रेशर। ऑप्शन ए रेसिप्रोकेटिंग, ऑप्शन बी रोटरी, ऑप्शन सी डायनेमिक एंड ऑप्शन डी रेडियल। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी रोटरी, राइट। जो स्क्रॉल कंप्रेशर होता है वो किस टाइप का कंप्रेशर कहा जाता है, रोटरी कंप्रेशर उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस इज कॉल्ड कंप्रेशर इफ प्रेशर रेशियो इज, ऑप्शन ए अप टू 1.1, ऑप्शन बी बिटवीन 1.1 एंड 2.5, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 1.5 एंड ऑप्शन डी ग्रेटर देन 2.5। सो ओवर योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी ग्रेटर देन 2.5, राइट। सो हम किसे कंप्रेशर कहेंगे, जब भी उसका प्रेशर रेशियो ग्रेटर देन 2.5 है तो उस डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वाल्व्स आर यूज इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर। ऑप्शन ए कैम ऑपरेटर, ऑप्शन बी प्रेशर डिफरेंशियल, ऑप्शन सी क्रैंक ऑपरेटेड एंड ऑप्शन डी पिस्टन ऑपरेटेड। सो वर योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रेशर डिफरेंशियल, राइट। सो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर होता है तो उसमें किस टाइप का वाल्व यूज किया जाता है, सो प्रेशर डिफरेंशियल वाल्व यूज इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू मल्टी स्टेजिंग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्रेशर, ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन अनअफेक्टेड एंड ऑप्शन डी कांट से। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंक्रीजेस, राइट। सो मल्टी स्टेजिंग किया जाता है, राइट, कंप्रेशर में, तो उसका जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। सो जब भी मल्टी स्टेजिंग
किया जाता है तो कंप्रेसर का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टी स्टेज कंप्रेशन इज, ऑप्शन ए वर्क इनपुट इंक्रीजेस, ऑप्शन बी स्मॉल साइज फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी लीकेज लॉस इंक्रीजेस एंड ऑप्शन डी अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट रिक्वायर्ड इंक्रीजेस। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्मॉल साइज फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड, राइट। सो जब भी मल्टी स्टेज कंप्रेशन किया जाता है कंप्रेशन में, तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि जो फ्लाईव्हील होता है वो स्मॉल साइज का फ्लाईव्हील रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्रेशर, ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन कॉन्स्टेंट एंड ऑप्शन डी कांट से। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिक्रीजेस, राइट। सो जब भी प्रेशर रेशियो इंक्रीज किया जाता है तो कंप्रेशर का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट। सो प्रेशर रेशियो बढ़ जाता है तो कंप्रेशर का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घट जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूट केसिंग हैज ब्लैंक क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड, ऑप्शन सी सेम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंक्रीज्ड। सो वॉल्यूट केसिंग हैज ब्लैंक क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि वॉल्यूट केसिंग में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, इंक्रीज्ड होता है। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।